अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा है और आज हम फ्रीलांसिंग का क्विज़ नंबर 2 हल करेंगे। तो फ्रीलांसिंग के क्विज़ ये यहाँ लिखा हुआ है, वन क्विज़ पेंडिंग। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेरा पहला क्विज़ सबमिट हुआ हुआ है, जिसका रिज़ल्ट 7 नंबर आए हैं और वर्डप्रेस के 9 नंबर आए हैं। तो आज हम ये क्विज़ नंबर 2 फ्रीलांसिंग का हल करेंगे, इंशाल्लाह इसमें से भी अच्छे नंबर आएंगे, दुआ है, उम्मीद करते हैं। तो टेक क्विज़ क्लिक करें। आगे इंस्ट्रक्शन वगैरह तो आपने पढ़ी ही होंगी, तो स्टार्ट क्विज़ क्लिक कर दें। हमारा पहला एमसीक्यूज है, व्हाट हेल्प्स एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड दैट यू आर एक्चुअली गुड एट योर स्किल। कि एम्प्लॉय को किस तरह अंडरस्टैंड होगा कि आपकी स्किल वो गुड है या अच्छी है। तो एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा, जो आपका क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा? तो एजुकेशन हिस्ट्री से, प्रोटोफाइल से, नॉन ऑफ अबव से, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन से। तो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आप जो जो चीज़ें ऐड करेंगे, उससे ही आपकी स्किल्स वगैरह का, आपकी महारत का, आपके एक्सपीरियंस का, वहाँ से ही आपके काम का पता चलेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, तो इसे सेव करें। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर वर्क लाइफ बैलेंस इन फ्रीलांसिंग। कंपल्सरी वर्क लाइफ बैलेंस इन फ्रीलांसिंग, कि इनमें से कौन सा फ्रीलांसिंग के अंदर बैलेंस नहीं रखता? स्टेइंग हेल्थ, थोड़ा सा यही इसका बेहतर लगता है, तो इसे सेव करें। उसके बाद चौथा हमारा एमसीक्यू है कि प्लेटफॉर्म एनेबल फ्रीलांसर ऑफ पोस्ट हिज हेयर सर्विस इज गिग्स दैट एनेबल टू कस्टमर ऑफ बाय हिज सर्विस। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पोस्ट करेंगे और गिग्स दैट एनेबल टू कस्टमर बाय सर्विस? तो गिग्स के ज़रिए आपका कस्टमर आपसे सर्विस ख़रीदेगा, बाय करेगा। तो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप गिग्स वगैरह बना सकते हैं, अपनी अच्छी गिग्स का अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो इससे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। तो जो आपको मुश्किल लग रहा हो, तो गूगल की हेल्प भी आप ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल इन द फ्रीलांसर मार्केट इज़ नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम्स मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट सॉफ्ट स्किल। जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, वो ज़्यादा कस्टमर का दिल जीतेगा या कस्टमर के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप बनाएगा, तो इसे आप जल्दी से सेव करें। आगे हमारा छठा क्वेश्चन है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद यूज़र। के कलेक्शन की सेटिंग वगैरह और इंफॉर्मेशन एसोसिएट यूज़र के साथ सॉफ्ट स्किल के अंदर होती है या यूज़र प्रोफाइल के अंदर होती है? तो यूज़र प्रोफाइल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो ये बेस्ट बेहतर लगता है, तो इसे टिक लगा कर सेव करें। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन है, आ नेव कैन ज्वाइन आ फ्रीलांसर मार्केट प्लेस बाय सिंगल अप कंसल्टिंग ऑफ देम्स, लॉगिन्स और रिक्वेस्टिंग मेंबरशिप। तो इसमें थोड़ा सा मुझे मसला आ रहा है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और गूगल में पेस्ट करूँगा। शायद इसका कोई आंसर मुझे गूगल दे दे। तो गूगल ने जो आंसर बताया हमें, वो अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर,
साइन सिंगिंग अप, कंसल्टिंग सपोर्ट टीम, लॉगिन, और ये चीज़ें। क्या इसमें से हमें कोई चीज़ नज़र आ, तो साइन अप सिंगिंग अप इसमें ज़्यादा, लॉगिन ये ज़्यादा बेहतर लगता है। आगे मेरा 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिलेवेंट ऑफ प्रोफाइल क्रिएशन। तो प्रोफाइल की क्रिएशन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा इलिवेंट होता है, तो वो सी एन आई सी। सी एन आई सी ही एक यूनिक आईडी है, तो इसे क्लिक करें और सेव कर दें। अगर हमारा नवा क्वेश्चन है, इन द बिडिंग प्रोसेस टू ओपन चैट विद योर क्लाइंट्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट स्टेज टू ऑप्शन। आस्किंग नॉर्मली ask him every question related to his project, ask him only important question, do not ask him any question, ask him about his content information के बारे में ही हम उससे बात करते हैं। बिडिंग करते वक्त, तो बिडिंग करते वक्त हम कॉन्टैक्ट के मुताबिक ही इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं या बताते हैं। तो हमारा आखिरी एम सी क्यूज है, इज़ कंपल्सरी फॉर अ वर्क लाइफ बैलेंस इज़ फ्री लॉन्सिंग। तो कॉपी कर लेते हैं और गूगल पे पेस्ट करते हैं, शायद गूगल कोई हेल्प कर दे हमारी। तो इसका आपको जो अच्छा लगे, तो इसका मुझे समझ नहीं आ रही, जो आपको बेहतर लगे, नेट से पता करें, गूगल से या कहीं से भी लेक्चर वगैरह लेकर, तो जो आपको अच्छा लगे वो लगा दें। मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा, तो इसके साथ ही हमारे क्विज़ ख़त्म हुए। तो ये भी हमारा क्विज अब सबमिट हो गया है, आप देख रहे हैं कि अब हमारा क्विज ये सबमिट हो गया। तो इसका रिजल्ट हमें 26 जून के बाद ही मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।